एवरीवन, व्हाट्स अप, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, मेरी पहली वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। इस चैनल पे मैं बहुत सारी वीडियो शेयर करती हूँ, ट्रैवल रिलेटेड डेली लाइफ व्लॉग शेयर करती हूँ। सिंस मैं लास्ट 6 मंथ्स में कनाडा में हूँ, तो मैं कैनेडियन रिलेटेड वीडियोज भी बना रही हूँ। तो प्लीज टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आप लोग पहले से मेरे सब्सक्राइबर हैं और आप मेरी रेगुलरली वीडियोस वॉच करते हैं, देन थैंक यू सो मच। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है बहुत लोगों के लिए, क्योंकि मेरे लिए भी वो बहुत इम्पोर्टेंट था। और यूट्यूब पे मैंने देखा है कि कम वीडियोस पड़ी हुई है इसके लिए। एंड जनरली लोगों का क्या होता है कि अगर इस चीज के लिए लोग प्लान कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो इतने ज्यादा पैसे नहीं खर्च करना चाहते एजेंट्स को देने के लिए या किसी थर्ड पार्टी को देने के लिए, तो वो प्रेफर करते हैं कि गूगल पे या यूट्यूब पे वो सर्च कर ले। तो आज का मेरा मोटो है ये वीडियो बनाने का कि मैं उन लोगों को हेल्प कर पाऊं जो इमिग्रेशन का प्लान कर रहे हो। यस, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट इमिग्रेशन टू कैनेडा। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि कनाडा के कौन कौन से वीजाज होते हैं एंड कौन सा वीजा किस लिए रेलिवेंट होता है। तो फर्स्ट थिंग मैं बात करूंगी टाइप्स ऑफ कनेडियन वीजाज, एंड सेकंड मैं बताऊंगी इन शॉर्ट इन ब्रीफ वो वीजाज किन के लिए हैं और कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स क्विकली डाइव इनटू द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कनाडा के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीजाज हैं वो है ये। फर्स्ट है स्टडी वीजा, सेकेंड है वर्क परमिट, थर्ड है विजिटर वीजा, फोर्थ है सुपर वीजा और फिफ्थ है पीआर, परमानेंट रेजिडेंट। इस वीडियो में मैं इन पांचों वीजाज के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं स्टडी परमिट। स्टडी परमिट, स्टडी वीजा बहुत कॉमन है और बहुत ज्यादा इमिग्रेशन कनाडा में एज अ स्टूडेंट ही होता है। आप लोगों जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ कि जनरली यहाँ पे लोग सबसे पहले एज अ स्टूडेंट आते हैं। तो स्टूडेंट वीजा किस लिए होता है कि आप कनाडा में किसी भी रेकग्नाइज इंस्टीट्यूशन, रेकग्नाइज यूनिवर्सिटी से कोई भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या कोई भी कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स परसू कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके पास स्टडी वीजा हो। और स्टडी वीजा अप्रूव होने से पहले आपको उस यूनिवर्सिटी से अप्रूवल आना चाहिए, तभी आप अपना प्रोसेस फर्दर स्टडी वीजा के लिए स्टार्ट कर सकते हो। तो स्टडी वीजा होता है स्टूडेंट्स के लिए जो कि कनाडा में पढ़ाई करने के लिए आना चाहते हैं किसी भी कंट्री से। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वीजा, विजिटर वीजा। विजिटर वीजा होता है उनके लिए जो कनाडा सिर्फ एक्सप्लोर करने के लिए आना चाहते हैं, मतलब देखने के लिए आना चाहते हैं कि यार लाइफस्टाइल कैसा है, या फिर किसी के रिलेटिव, किसी का कोई नोन ऑलरेडी यहाँ पे हो कनाडा में और उनके पास वो जाना चाहते हो, तो उसके लिए विजिटर वीजा होता है। विजिटर वीजा के थ्रू आप कनाडा में मैक्सिमम एक टाइम पे सिर्फ 6 मंथ्स स्टे कर सकते हो। तो उसमें कुछ लिमिटेशंस होते हैं, बट हाँ, जिनको परमानेंट कनाडा में नहीं रहना है उनके लिए विजिटर वीजा बेस्ट है, और जिनको अपनी फैमिली से मिलने आना है उनके लिए भी बेस्ट है। मूविंग ऑन टू द थर्ड टाइप ऑफ वीजा जो कि है वर्क परमिट। वर्क परमिट जनरली होता है अगर आपके पास जॉब ऑफर ऑलरेडी है, चाहे आप कनाडा में हो या कनाडा में ना हो, और आपके पास एक कनेडियन एम्प्लॉयर से जॉब ऑफर है, तब आप वर्क वीजा अप्लाई कर सकते हैं। सपोज आप इंडिया में हैं और आपने ऑनलाइन सर्च की जॉब्स और आपको कनेडियन एम्प्लॉयर से ऑफर लेटर आ गया, तब आप अपना वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप कनाडा में हैं, या तो विजिटर वीजा पे आए हैं या फिर स्टूडेंट वीजा पे आए हैं, तो आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जनरली यहाँ पे प्रोसेस ये है कि जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको पहले वर्क परमिट अप्लाई करना होता है, वर्क परमिट पे उनको वर्किंग एक्सपीरियंस हो जाता है, उसके बाद वो अपना पीआर की एप्लीकेशन शुरू कर सकते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप चलता है स्टूडेंट्स के लिए। तो वर्क वीजा है बेसिकली जिनको कनाडा में काम करना है और जिनके पास ऑफर लेटर आया हुआ है कनेडियन एम्प्लॉयर से, तो ही वर्क परमिट के लिए एलिजिबल है। मूविंग ऑन टू द फोर्थ वीजा जो कि है सुपर वीजा। सुपर वीजा होता है जनरली पेरेंट्स के लिए, जिन पेरेंट्स के बच्चे यहाँ कनाडा में ऑलरेडी हैं, तो वो बच्चे क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स को यहाँ बुलाने के लिए उनका सुपर वीजा लगवा सकते हैं। जैसे विजिटर वीजा के थ्रू भी आप अपने पेरेंट्स को बुला सकते हो, बट विजिटर वीजा में 6 मंथ्स की लिमिटेशन है कि आप मैक्सिमम 6 मंथ्स ही एक टाइम पे एक स्टे पे रह सकते हो। और सुपर वीजा में क्या होता है कि आपकी कोई लिमिटेशन नहीं होती कि आपको 6 मंथ्स के लिए रहना होता है। तो जनरली लोग प्रेफर करते हैं कि सुपर वीजा अप्लाई करें पेरेंट्स के लिए, क्योंकि
ऑब्वियसली इंडिया से आना इतना इजी नहीं है कि आप आओ और फिर 6 महीने बाद तुरंत चले जाओ। लोग यहाँ पे प्रेफर करते हैं कि सुपर वीजा अप्लाई करें पेरेंट्स का, ताकि वो 6 महीने से ज्यादा यहाँ स्टे कर पाए। हम लोग भी एज अ PR आए हैं, हम लोग भी अपने पेरेंट्स का सुपर वीजा ही अप्लाई करेंगे। मूविंग ऑन टू द लास्ट टाइप ऑफ वीजा विच इज द PR वीजा, जो कि हम लोगों को मिला था, मुझे और अर्जुन को। हम यहाँ पे एज अ परमानेंट रेजिडेंट आए हैं, हमने यहाँ पे स्टडी के लिए नहीं अप्लाई किया, वर्क परमिट के लिए नहीं अप्लाई किया, हमने सीधा PR के लिए अप्लाई किया था। थोड़ा टाइम लगा उसमें, ऑल्सो कोविड आ गया था तो उसकी वजह से भी प्रोसेस स्लो हुआ, तो हमने PR के लिए अप्लाई किया, वेट किया, काफी वेट करना पड़ा, बट स्टिल हमें एट दी एंड PR वीजा हमारा अप्रूव हो गया था। तो अगर आप इंडिया में हो, PR के लिए आप अप्लाई कर सकते हो फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम में, पॉइंट बेसिस, PNP, बहुत सारे ऑप्शंस है इसमें। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं डिटेल वीडियो बनाऊं परमानेंट रेजिडेंट प्रोसेस के लिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, फुल वीडियो बना दूंगी, अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। हम लोगों को जो PR मिली थी कनाडा की, वो ऐसे मिली थी कि हमने फेडरल स्किल्ड वर्कर्स में एनरोल किया था अपने आप को, फिर ऑन्टेरियो से हमारा नॉमिनेशन आ गया था, क्योंकि हमारा जो प्रोफेशन है, मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंसी का और अर्जुन का लॉयर का, यहाँ पे इन डिमांड प्रोफेशन है वो, तो हमें ऑन्टेरियो से, जो कि एक प्रोविंस है कनाडा का, उससे नॉमिनेशन आ गया था। फिर हम पॉइंट बेसिस पर हम एलिजिबल हो गए थे और हमें इन्विटेशन टू अप्लाई आ गया था, और फिर हमने उसको एक्सेप्ट किया इन्विटेशन, और फिर हमारा कुछ टाइम बाद वीजा अप्रूव हो गया था। हेंस वी आर कनेडियन PRs नाउ, कनेडियन परमानेंट रेजिडेंट्स। तो दिस इज इट फॉर द वीडियो। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी या नहीं, और अगर आप चाहते हो कि मैं हर वीजा के बारे में डिटेल में बताऊं, स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस समझाऊं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये कैनेडियन इमिग्रेशन की पहली वीडियो मैंने बनाई है, और अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो डू हिट द लाइक बटन, शेयर माई वीडियो एज मच एज यू कैन, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट, एंड ऑल्सो प्रेस द नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू गेट अ नोटिफिकेशन वेन एवर आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। येस, दिस इज इट फॉर द वीडियो, आई विल सी यू सुपर सून विद अ ब्रांड न्यू वन। बाय गाइज।